कितने बजे निकलेंगी? वही कॉलेज टाइमिंग। ठीक है, तो फिर कल आप बेफिक्र होके जाइएगा। मैं ऑफिस से फ्री होके शफीक अंकल के पास चला जाऊंगा ताकि वो लोग परेशान ना हो। कोई परेशान नहीं होगा और मैं टाइम से घर भी वापस आ जाऊंगी। देखें, आपका ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देर सवेर हो सकती है, इसीलिए मैं एहतियातन बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। वैसे भी ऑफिशियली आपका स्टूडियो तैयार होने वाला है, फिर आप देखेगा आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी और आहिस्ता आहिस्ता आप मम्मी का दिल भी जीत लेंगी। अभी तो बस शुरुआत है, सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत तो टेंशन होती है, जैसे कि इमल की बदगुमानियां। क्या बात है, कोई खास डिस्कशन हो रही है? कोई खास बात होगी तभी हम बैठ के बात करेंगे, हम किसी आम बात पे भी तो बैठ के बात कर सकते हैं ना। वैसे तुम दोनों का इस तरह बैठकर बात करना ना घर वालों को नागवार गुजरता है। बातें तो तुम भी कर रही हो इससे। मुझ में और तुम में बहुत फर्क है एनी, तुम्हारा तो नाम जोड़ा जा रहा है इसके साथ। मुझे समझ नहीं आता आपका इनके साथ ये रवैया क्यों होता जा रहा है। अभी तो आपको इनका सबसे बड़ा सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन आप तो इनके लिए मुश्किलात पैदा करती जा रही हैं। ये हम दोनों बहनों का मामला है फान, हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें याद आ गया कि तुम मेरी बहन हो? अगर तुम्हें याद आ गया है कि तुम मेरी बहन हो तो मेरे खिलाफ साजिशें करना बंद कर दो इमल। देखा, तुम सिर्फ इसकी सोच देखो, साजिशों के इल्जाम लगा रही है मुझ पर और तुम कहते हो कि हर मामले में मैं इसका साथ दूं। वैसे तुम शादी क्यों नहीं कर लेते एनी से? ताकि लोगों के ये बेशर्मी वाले ताने खत्म हों।